नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है, इसको लेकर पूरी प्लानिंग क्या है बीजेपी की, इस पूरे वीडियो में हम आगे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बिहार में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि बिहार बीजेपी ने अभी से ही कार्य समिति के आयोजन के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी है। बिहार में इन दिनों जो स्थिति है उसमें बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सब के बीच में बीजेपी ने अभी से 2024 के लिए अपनी जो है तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों कटिहार में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के आयोजन में 2024 के चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया गया। इस कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज को बिहार के हर घर तक पहुंचाने की बात कही गई है। साथ ही साथ बिहार में आने वाले दिनों में बड़ी रैलियों का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से संकेत दिए गए हैं। इसमें नेता यानी कि सांसद, मंत्री इसमें शामिल होंगे इन पूरी रैलियों में। इस बैठक में बोलते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 7 जून को भागलपुर, 10 जून को पूर्णिया, 12 जून को गया, 14 जून को मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी रैलियां होने वाली है। साथ ही साथ संजय जायसवाल ने यह भी बताया कि शक्ति केंद्र और बूथ पर कार्यक्रम आयोजन कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ साथ बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के समय चलाए गए बूथ स्तर के कार्यों की सराहना की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरे समर्पण के साथ काम किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि राजद जैसी पार्टी के रहते हुए हमने साल 2020 का विधानसभा चुनाव जीता, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ उसमें जो है बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जो है बीजेपी पूरे बिहार में है। ऐसे में जो है अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे डॉक्टर संजय जायसवाल। उन्होंने यह भी कहा कि हम आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। कटिहार में कार्य समिति का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के साथ हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा ही हमें विजयी बना सकती है। साथ ही साथ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि विकास और गरीब वर्ग की सेवा ही हमें विजयी बना सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विकास और गरीब वर्ग की सेवा से ही हमें आधारशिला दे सकती है, यहाँ हम समाज में सभी वर्गों का सहयोग हासिल कर सकेंगे। एक तरह से कह लें कि बीजेपी दोनों हथकंडों को अपनाना चाहती है, एक तो हिंदुत्व का राग अलापेगी ही साथ साथ दूसरा विकास और तीसरी गरीबी पे भी लगातार चोट कर रही है। बता दें कि बीजेपी पूरे देश में 73,000 बूथों की पहचान की है, जहां उसे लग रहा है कि उसकी पकड़ कमजोर पड़ी है। साथ ही साथ 150 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने यह आकलन किया है कि वहाँ पर जो है बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अमित शाह, जेपी नड्डा इन बूथों पर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जिससे कि आम कार्यकर्ता को मजबूती मिलेगी। बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान भी चला रही है, जिससे कि वह चंदा अभियान में तेजी ला सके। ये दो अहम चीज़ें होती है, एक तो सदस्यता अभियान और दूसरा चंदा अभियान। इन दोनों से जो है आखिरी व्यक्ति यानी कि जो कार्यकर्ता होता है वो कनेक्ट होता है पार्टी के साथ। उसे लगता है कि हम पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर पार्टी में जो है हमें एक अहम जिम्मेवारी दी गई है। इस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ना किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है मूल कार्य होता है, क्योंकि यह जो है आखिरी व्यक्ति से पार्टी को जोड़ने का काम करता है। बिहार की सियासत में बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिनों के अगर हम राजनीतिक पार्टियों के बीच में जुबानी जंग भले ही बंद हो गई हो, लेकिन अभी से आपसी तालमेल में काफ़ी कमी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जातीय जनगणना को लेकर पहले बीजेपी ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर भी जो है हामी भर दी है। और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी भी एक साथ दिखी। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच जारी घमासान के बीच में कैसे चुनावी रणनीति को बीजेपी जो है तैयार करती है, और 2024 का जो प्लेटफॉर्म अभी से उन्होंने खोल रखा है कि हम इन इन मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है उसे बीजेपी को, उसको लेकर है किस तरह की तैयारियां शुरू करती है। हालांकि सदस्यता अभियान आरजेडी में भी शुरू है, जदयू ने भी पिछले दिनों सदस्यता अभियान चलाया था। ऐसे में कह लें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बिहार में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी ने जो है अगर पूरे देश की बात करें तो बीजेपी पूरे देश में चुनावी रैलियों को लेकर अभी से रैलियां शुरू कर दी है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।